Hello viewers, welcome back to my healthcare channel. Hope you all are good and fine. Today video is about painkiller, very effective painkiller which is very effective in many painful conditions. In this video, we will discuss how it is uh, beneficial in painful conditions and how it be used and what is the dosage and what are side effects. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पेन किलर कौन कौन सी पेनफुल कंडीशंस में ये इफ़ेक्टिव है किस तरह से पेन और इन्फ्लॉमेशन को कम करता है दर्द और सूजन को किस तरह से आराम पहुँचाता है और इसको डोज क्या है किस तरह से यूज़ करना है और इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये मेडिसिन पहले यूज़ की है कि नहीं और इसके साड इफेक्ट्स के बारे में जो है मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में वो आपको पता थे कि नहीं डिक्लोफेनिक सोडियम बहुत ही फेमस और वेल नोन पेन किलर है बहुत पुराना पेन किलर है ये फिफ्टी मिलीग्राम की टैबलेट है और इसके ऊपर मेंशन भी है कि ये दर्द और सोजन के लिए यानी पेनफुल इन्फ्लामेशन कंडीशंस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है जिसम के किसी भी हिस्से में दर्द है सोजन है इन्फेक्शन है इन्फ्लामेशन है, इंफ्यक्षन है दर्द है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव है ये बेसिकली पेन किलर है पेन किलर में जिसम में जो है बॉडी में इंफ्लामेटरी केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं जो कि इन्फ्लोमेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है और सूजन होती है ये उन केमिकल्स को कम करता है इन्फ्लमेटरी मीडिएटर्स केमिकल्स को कम करता है और दर्द और सूजन को दूर करने में हेल्प करता है ये तमाम पेनफुल कंडीशंस जिसम के किसी भी हिस्से में दर्द हो स्वेलिंग हो उसके लिए इफेक्टिव है कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कमर दर्द का बहुत कॉमन इशू है ये उसके मसल्स को रिलैक्स करता है ऐसा मसल रिलैक्सेंट भी यूज़ होता है इसके अलावा जो सर दर्द है मिग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है उसके लिए ब्लिक्लोफेनिक सोडियम बहुत अफेक्टिव है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो है वो सर का दर्द दूर हो जाता है हेड एक रिलीव हो जाती है इसके अलावा जॉइंट्स और मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं समटाइम्स जब अब तो विंटर स्टार्ट हो गई हैं तो विंटर में ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि जॉइंट्स जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं स्टिफनेस आ जाती है स्टिफ हो जाते हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है मसल्स और जॉइंट्स की यानी पटों और जोड़ों का दर्द और खिंचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है दर्द के को ये दूर करने में हेल्प आउट करता है जिसके लिए पेन किलर है तो ये पेन को रिलीव करेगा कहीं भी पेन है उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है इसके अलावा जो है ये आ, स्पोर्ट्स इंजरी आ गई है एक uh, इंजरीज भी जो कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है उसमें भी जिसमें दर्द शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव वेल नोन एस्टैब्लिश पेन किलर है ओ टी सी ये प्रोडक्ट है यानी ओवर द काउंटर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी जो है आप इसको मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन पेन किलर है साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत माइनस इसके साइड इफेक्ट्स हैं डायरिया हो गया कुछ पेशेंट्स में इस, ये जो साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हर पेशेंट में पेयर नहीं होते किसी में डायरिया होता है किसी में कॉन्स्टिपेशन किसी में डिजीनेस भी हो सकती है पेन किलर के इफेक्ट्स को कम करने के लिए सबसे बेटर जो एडवाइस uh, ये डॉक्टर करते हैं कि आपने इसको मेडिसिन को पेन किलर को खाने के साथ देना है अगर खाने के साथ खाएंगे फ़ौरन ले लेंगे तो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको नहीं होंगे क्योंकि पेन किलर से मोस्टली थोड़ा सा स्टमक अपसेट होता है अगर खाली पेट लेंगे तो वो स्टमक अपसेट ज़्यादा होगा इसलिए बेहतर है कि इसको खाने के साथ लें ये डिक्लोफेनिक सोडियम बहुत से ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल है ये मेरे पास जो मेडिसिन है ये डिफ्लोसेट के नाम से है फिफ्टी मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है और एक टैबलेट जो है आप दो बार दिन में ले सकते हैं और अगर दर्द ज़्यादा है तो दिन में तीन बार भी इस मेडिसिन को जो है वो यूज़ किया जा सकता है इसकी प्राइस भी इसके पैक पे मेंशन है कि वन थर्टी रुपीज़ की जो है ये ट्वेंटी ए टैबलेट्स हैं इकनॉमिकल है बहुत इफ़ेक्टिव डिक्लोफेंट सीवनीम पेन किलर